नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश से नाबालिग युवती के साथ आए कैफ नामक युवक ने पिस्टल से ई रिक्शा चालक रज्जाक के पैर में सतना के नजीराबाद में गोली मार दी। युवक युवती का जोड़ा उत्तर प्रदेश के मुगलसराय से सतना पहुँचा था। ई रिक्शा ड्राइवर रज्जाक इन्हें कटनी तक के लिए टैक्सी दिलवाने लगा, लेकिन आधार कार्ड न देने की वजह से कोई भी टैक्सी वाला इन्हें ले जाने को तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद ड्राइवर लोगों को कैफ नामक युवक और युवती पर शक हुआ और उन्होंने कैफ से कहा कि ये लड़की कौन है और तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है और तुम दोनों कहाँ के हो ये बताओ, वरना हम तुम दोनों की सूचना पुलिस को दे देंगे। जिसके बाद युवक डर गया और युवती के साथ जाने लगा। ई रिक्शा चालक ने रज्जाक बताया कि मैंने कहा मेरा भाड़ा देते हुए जाओ, और इसी बीच युवक ने अपने पास मौजूद एक बैग से जर्मन टाइप पिस्तौल निकाली और सीधा रज्जाक के पैर में गोली दाग दी, जिसके बाद वहां मौजूद और लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की और वो उन्हें डराने के लिए हवाई फायर करते हुए वहां से भाग गया। सिटी कोतवाली पुलिस ने तत्काल घेराबंदी का आरोपी युवक युवती को बाईपास के पास गिरफ्तार कर लिया। युवक कैफ की उम्र 18 साल है और युवती अभी नाबालिग है। दोनों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया और पूरे मामले में पूछताछ शुरू कर मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी कैफ पर 34307 का मुकदमा दर्ज किया गया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल उत्तर प्रदेश के आरोपी युवक और नाबालिग युवती को सतना स्टेशन से टैक्सी दिलाने के लिए ई रिक्शा चालक ने नजीराबाद कैसे पहुंचा दिया, जबकि स्टेशन में सैकड़ों टैक्सी हमेशा मौजूद रहती है।